हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद करते हैं सभी लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा आपसे शेयर की जाए। वो इन्फॉर्मेशन क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, त्रिमूर्ति पुट्टी हमने बेचनी बंद कर दी थी, पूरी तरीके से बैन लगा दिया था, लेकिन कंपनी ने अपनी गलती मान ली है और उसमें सुधार कर दिया है। अब उसमें सुधार क्या क्या है और क्या हमारी वो थी कंप्लेंट ये थी कि कंपनी ने जो है जो डबल पैकिंग पुट्टी आ रही थी ये त्रिमूर्ति की, जिसमें ऊपर कट्टे की पैकिंग और अंदर की साइड में पिन्नी की पॉलीथीन वाली पैकिंग थी, तो कंपनी ने पॉलीथीन वाली पैकिंग अंदर की हटा दी थी, जिसकी वजह से पुट्टी जो है रोड़ी बननी शुरू हो गई थी, ढिम्मे से बन रहे थे मोटे मोटे, और समझ लीजिए हर तरीके से कस्टमर को हम दे रहे थे। वहाँ पर पेंटर खोल के देख रहा था तो वो लौटा देता था, 10 कट्टे बेचे, पता चला हम खुश हो गए कि 10 कट्टे हमने बेच लिए हैं। वो थोड़ी देर बाद जो आधे घंटे एक घंटे के बाद में वापस दुकान पर आए, बोले भैया पुट्टी बेकार है, दूसरी दो। तो इस कंडीशन में हमें मज़ा भी नहीं आ रहा था, नुकसान भी हो रहा था, क्योंकि नुकसान क्या है, एक चीज़ एक बार गले में पैसे डाल दो ना और वापस निकालो तो आपको ही पता अच्छा सा नहीं लगता है। तो वही देखते हुए हमने जो है नेरोलैक, ये सॉरी मेरे मुँह से बार बार जो है नेरोलैक निकला, तो त्रिमूर्ति पुट्टी बेचनी बंद कर दी थी। लेकिन कंपनी वालों तक ये बात पहुँची और काफ़ी लोगों ने कस्टमर केयर पर जो नंबर आता ना कट्टे पे, उसको भी मिलाकर उन्होंने कंप्लेंट की। तो कंपनी पे कुछ ऐसा असर हुआ कि कंपनी ने दोबारा से पॉलीथीन वाली जो पैकिंग थी वो दोबारा से चालू कर दी है। फिलहाल देखिए, पॉलीथीन वाली पैकिंग से एक फ़ायदा होता है कि कट्टे को आप, ये तो है नहीं कि आपने आज कट्टा ख़रीदा या दो दिन में चार दिन में आपने बेच दिया, ऐसा नहीं होता है। होता है जब सीजन चलता है तो जल्दी जल्दी भी बिक जाता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी कभी दो दो महीने भी रखा रहता है, जब सीज़न ऑफ होता है तीन तीन महीने भी बाजे टाइम रखा रहता है। अभी आपने मान लीजिए मिसाल के तौर पे 500 कट्टे ख़रीद लिए, 100 कट्टे 200 कट्टे बेच लिए, अब वो सीज़न नहीं है, दो कट्टे चार कट्टे बिक रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा? तो उस कंडीशन में आपका जो माल है वो जम जाएगा पूरी तरीके से जब सिंगल पैकिंग पुट्टी होगी। इसी वजह से हमने जेके पुट्टी बेचनी बंद कर दी। सीधी सी बात है, काफ़ी लोग कस्टमर आते हैं जेके पुट्टी पूछते हैं, बोले भाई जेके है जेके नहीं है, क्यों नहीं बेच रहे? इस वजह से नहीं बेच रहे, सिंगल पैकिंग की वजह से हम नहीं बेच रहे। वहीं कंपनी वालों से हमने बोला था, जेके वालों से, कि भाई हमारे जो कस्टमर हैं वो शिकायत कर रहे हैं, इस चीज़ की जो सुनवाई करवाइए। तो उन्होंने कह दिया हमारे पास माल की खपत काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से हम डबल पैकिंग जो है पन्नी नहीं लगा सकते, मतलब अंदर जो पैकिंग जो है पन्नी वाली नहीं लगा सकते, इस वजह से उन्होंने सिंगल पैकिंग ही रहने दी। तो हमने सोच लिया भाई तुम अपनी ज़िद पर रहो, हम अपनी ज़िद पर, तुम्हारा माल नहीं बेचने का, सीधी सी बात है, जो जो काउंटर बेच रहे हैं बेचते रहो। और बिक क्या रहा है, आपको पता है कंपटीशन का दौर है, 10-10 5-5 रुपए पे कट्टे बिक रहे हैं, 10-10 5-5 रुपए पे बाजे बाजे में, तो ये समझ लीजिए रेट टू रेट भी बेचने पड़ रहा है। मिसाल के तौर पे अगर 450 रुपए का या 470-480 रुपए का या 500 रुपए का भी कट्टा है तो जितने का आ रहा है उतने का दे रहे हैं भाई, उसे रखवाने की भी लागत नहीं आ रही, क्योंकि 2-3 रुपए कट्टा 5 रुपए कट्टा अंदर रखने का भी जाता है, निकालने में भी जो है लेबर लगती है, सारे काम है। तो हमने जो है कुल मिला के जेके को बेचना बंद कर दिया था। लेकिन अभी फ़िलहाल में हमने त्रिमूर्ति वालों से हमने बात करी तो हमारा जो स्टॉक में रखे थे पुराने कट्टे जिसमें रोड़ी पड़ चुकी थी, तो वो कंपनी वालों ने उठवा लिए हैं और हमें नए कट्टे दे दिए हैं। तो ये चीज़ अच्छी लगी हमें, अभी फ़िलहाल जो है त्रिमूर्ति का जो माल है हम बेच रहे हैं। तो यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। तो आप भी अगर आपके यहाँ भी त्रिमूर्ति का जो है आसपास कोई हो तो आप त्रिमूर्ति के एजेंसी ले सकते हैं या त्रिमूर्ति जैसे भी हो कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं नंबर भी दे दूंगा। तो काफ़ी लोगों के सवाल भी थे कि आप जो है आजकल बहुत ज़्यादा टाइम लेने के बाद में जो है वीडियो बना रहे हैं, 10-10 दिन में वीडियो डालते हैं, कभी 5 दिन में, कभी 6 दिन में, ये रोज़ाना जैसे डाल रहे थे, कभी पिछले दिनों में मैं ये समझ लीजिए दो एक दिन में दो वीडियो तक भी डाल रहा था, लेकिन अभी क्या कंडीशन बन गई है, एक हफ्ते में 10 दिन में एक वीडियो पड़ रही है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, दोस्तों मेरा एक चैनल और भी है जिसका नाम है मैक दरबार व्लॉग। अभी जो आप देखते हैं ये पेंट वाला चैनल मैक दरबार के नाम से है, और जो मेरा दूसरा चैनल है वो मैक दरबार व्लॉग्स, जब आप टाइप करेंगे मैक दरबार व्लॉग्स तो उसमें आपको मैं दिख जाऊंगा, ठीक है ना। तो उसमें जो है ना अक्सर सबा इब्राहिम को लेकर वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें क्या है, इसमें भी मेहनत कर रहे हैं, दूसरे पे भी कर रहे हैं, दुकानदारी भी कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हो रहे हैं और अपनी भी लाइफ है। तो दोस्तों सभी जगह अगर हम टाइम देंगे तो ये टाइम है कहाँ इतना ज़्यादा। तो उम्मीद यह है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, बाय बाय।